इस घने जंगल में कहीं भी तेंदुआ हो सकता है, और यहाँ तेंदुआ काफ़ी घूमने लगा है अब, और उसकी तलाश में हम लोग घूम रहे हैं। वेल, कॉफ़ी अपनी तैयार हो गई है, अब कॉफ़ी पीते हैं। वेल, सुबह की शुरुआत करते हैं कैंपिंग के साथ। लास्ट टाइम मैंने इसी लोकेशन पे कैंपिंग की थी तो हमें 3 तेंदुए देखने को मिले थे। आज की जो ये लोकेशन है, यहाँ पे थोड़ा जंगल का एरिया है, थोड़ा घना जंगल है सामने की तरफ, और उस तरफ मैं आज जा रहा हूँ। तो ट्राई करेंगे आज फिर हमें तेंदुआ देखने को मिले, देखते हैं। इस घने जंगल में कहीं भी तेंदुआ हो सकता है, तो हमें काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एकदम चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और तेंदुआ ऐसी जगह पर छुपा रहता है और छुप के अटैक करता है। तो अभी मुझे चारों तरफ का मुआयना करना पड़ेगा कि कहीं से भी अगर तेंदुआ आ गया तो बहुत मुश्किल है बचना। कोशिश करते हैं शांति। कोशिश करते हैं थोड़ा सतर्क रहने की, और कैंपिंग तो हमें करनी है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा एरिया खुला खुला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैंपिंग कर ली जाए, और यहाँ से सामने का व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। चारों तरफ घना जंगल है और तेंदुआ यहीं कहीं छुपा हो सकता है, क्योंकि तेंदुए ने इससे पहले भी कई गायें यहाँ पे मारी हैं। तो यहाँ सबसे सेफ है क्योंकि यहाँ थोड़ा खुला एरिया है, यहाँ पर हम लोग टेंट लगाते हैं। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, और नज़ारा यहाँ से आप सामने देख ही रहे हैं, घना जंगल है, झाड़ियाँ हो गई हैं। पहले तो ये खेती हुआ करते थे, रिसेंट कुछ टाइम पहले ही खेती सब बंद हो गई, तो उस वजह से पूरा जंगल हो गया है, और यहाँ तेंदुआ काफ़ी घूमने लगा है अब, और उसकी तलाश में हम लोग घूम रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर तेंदुए को देखते ही हैं। लगभग आपको अगर मैं बताऊं तो रिसेंट कुछ टाइम में, पिछले 4-5 सालों में इतनी गायें तेंदुए ने मारी हैं इधर। इधर ये जस्ट सामने एक पानी का गधेरा है, तो वहाँ पे इतनी गायें मारी हैं, मैंने खुद कई गायें मरी हुई देखी हैं यहाँ पे।
सामने की तरफ को मूव करते हैं क्योंकि सामने की तरफ काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है और तेंदुआ भी शायद हमें दिख सकता है सामने की तरफ, तो इसलिए जो फेस है उसको सामने की तरफ को करते हैं। पीछे से तेंदुए ने अटैक कर दिया तो अलग बात है। वेल, टेंट तो अपना सेट हो गया है और अब बारी है कुछ खाने की, कुछ बनाने की। तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या बन पाता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पे तेंदुए का भी काफ़ी ख़तरा है। जैसे रिसेंट पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तीन तीन तेंदुए एक साथ देखने को मिले थे हमें। वेल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस जगह पर हम लोग हैं अभी, उस जगह पर पहले खेत हुआ करते थे, लोग खेती किया करते थे, तो उसका एक सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये गलगल का पेड़ है जो यहाँ पर लोगों ने लगाया होगा जिस टाइम पे यहाँ पे खेती हुआ करती थी, और उसमें गलगल लगा हुआ है छोटा सा, ये आप देखें, ये माल्टे की तरह ही होता है। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कैसा है। ये आप देखें, ये वो गलगल है, काफ़ी हार्ड है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं चाकू लेके आता हूँ, चाकू से ट्राई करते हैं इसको काट के खाने की। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, देखते हैं कैसा होता है खाने में। तो अभी चाकू लेके मैं आ गया हूँ, इसको काटते हैं, देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसके अंदर थोड़ा सा, ये आप देखिए, पूरा छिलका ही है मोटा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा पल्प है, ये आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट करते हैं कैसा है, खट्टा मीठा। ये आप देखिए, ये काफ़ी कड़वा है, गलगल होता है जो, उसका जो छिलका होता है वो काफ़ी कड़वा होता है, उसका पल्प मीठा होता है। तो अभी मैंने इसको छिलके के समेत खा लिया, बाहर का पल्प इसका अलग नहीं किया, तो काफ़ी कड़वा हुआ है, इसने मेरे मुंह का टेस्ट पूरा ख़राब कर दिया है। अब मुझे कुछ और खाना पड़ेगा जिससे मुंह का टेस्ट ठीक हो। काफ़ी मेहनत से ये सोचा था कि खाने को मिलेगा, कुछ ऐसा मिला था, लेकिन ये भी बेकार निकला। वेल, सबसे पहले बनाते हैं कॉफ़ी, उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं, फिर देखते हैं हमसे क्या बनता है। ये थोड़ा वेट करेंगे तेंदुए का, क्या पता हमें तेंदुआ देखने को मिल जाए इधर। पहले सबसे पहले हम थोड़ा कॉफ़ी बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे और क्या होता है। वेल, जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं आपको आसपास का एरिया दिखाता हूँ, आसपास के नज़ारे कुछ दिखाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ झाड़ियाँ हैं, पूरा जंगल का एरिया है, और तेंदुआ कहीं से भी आके अटैक कर सकता है। फ़िलहाल अभी इस टाइम पे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आसपास तेंदुआ होगा, क्योंकि अगर तेंदुआ होता तो उसकी कोई भी आहट आ जाती। शायद हो सकता है वो दूसरी तरफ कहीं चला गया हो, और
क्या पता हमें दिख भी जाए, तो देखते हैं अभी, ट्राई करते हैं इधर उधर आसपास ढूंढते हैं, जंगल में आपको दिखाता हूँ किस तरह का है, उसके बाद देखते हैं जब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा। मैं अभी सॉल्ट लेने गया था और इधर मेरा दूध सारा उबाल आ गया है। एंजॉय करते हैं सामने के नज़ारों को। अभी धूप भी खिल गई है पूरी, ये आप देखिए ऊपर से धूप आ गई है। वैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है लेकिन पहाड़ों में तो इतनी गर्मी होती नहीं है, तो ये धूप में भी अच्छा लग रहा है। वेल, फिलहाल मैं कॉफ़ी डाल लेता हूँ इसमें और उसके बाद देखते हैं आगे क्या चीज़ें हमसे हो पाती हैं। वेल, जब हमने टेंट लगाया था तो धूप नहीं थी यहाँ पे और पूरी छाया थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। अभी धूप आ गई है और थोड़ी गर्मी होने लगी है। अब उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है, आप सहन कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी गर्मी हो रही है। इट मीन्स थोड़ा गर्मी हो रही है धूप से, हवा चलने लगी है, तो अब इससे जो एक क्या बात है, जैसी धूप का नाम लिया देखिए कितनी अच्छी हवा चलने लगी है। पहाड़ों में यही एक फ़ायदा है, कितनी भी धूप आए इस तरह से दिन भर हवा चलती रहती है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, तो काफ़ी मज़ा आता है पहाड़ों में रहने में। पहाड़ों में रहने का एक बेस्ट रीज़न यही है कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो आप भी पहाड़ों में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल, कॉफ़ी अपनी तैयार हो गई है, अब कॉफ़ी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं सामने के नज़ारों को, और धूप भी आई है, धूप थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। फिलहाल कॉफ़ी पी लेते हैं उसके बाद देखते हैं। वेल, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद कुछ खाने का बनाते हैं। और यहाँ पे तो धूप आ गई, मैं सोच रहा हूँ कि सामने की तरफ थोड़ी छाया है, उधर जाके आराम से कुछ खाने का बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास गैस है, आग तो जली नहीं है, गैस लेके उधर ही चले जाएंगे और उधर ही कुछ खाने का बनाएंगे। फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं, देखते हैं कैसा होता है। कॉफ़ी अच्छी बनी है, अब मैं आपको क्या ही बोलूं, क्योंकि अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कॉफ़ी अच्छी बनी है, लोग कर लेते हैं। ओ भाई क्या बना है, मज़ा ही आ गया आज तो। अननोन ड्रीमर। वेल, उधर तो काफ़ी धूप आ रही है और मैंने सोचा क्यों ना इधर छाया में आके ही कुछ बनाया जाए, काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में।